ंग टू डी कोड एग्रीकल्चर सिलेबस ऑफ एफ सी आई ए जी थ्री फॉर यू अगर आप एफ सी आई ए जी थ्री टेक्निकल पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आपको जानना है कि एग्रीकल्चर वाला पार्ट स्पेसिफिकली कैसे कवर करें आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इन अ डिटेल मैनर इन दिस वीडियो ठीक है तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है कौन कौन से टॉपिक्स सिलेबस में दिए गए हैं और उन टॉपिक्स को आपने कितनी डेप्थ में कवर करना है और कैसे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करने हैं तो दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड ठीक है ताकि आप खुद ही एग्रीकल्चर सिलेबस जो एफ सी आई ए जी थ्री का है उसको डी कोड कर सको इसके साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड हेयर दैट इफ यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड ठीक है अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल एफ सी आई ए जी थ्री पोस्ट आई वुड सजेस्ट आई वु वुड से कि आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा एग्रीकल्चर प्रिपेयर करना बट अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हो आप जुलॉजी बॉटनी या किसी और बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो और आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और एग्रीकल्चर आपको जाननी है कि एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है स्पेसिफिकली देखो आई वुड नॉट सजेस्ट मैं ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी कि आप कंप्लीट एग्रीकल्चर पढ़ो बिकॉज अगर हम एफ सी आई ए जी थ्री एग्जाम के पी वाई क्यूज देखें तो वहाँ पे कंप्लीट एग्रीकल्चर से क्वेश्चन नहीं होते हैं एफ सी आई ए जी थ्री मेक श्योर कि वो जो क्वेश्चन देता है दैट इज कम्पलीटली बेस्ड ऑन द सिलेबस क्योंकि आई हैव डन द आई हैव सीन 99% क्वेश्चन वर डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस दैट वाज गिवन इन द एफ सी आई एग्जाम तो so, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हो ठीक है और आपको पूरी एग्रीकल्चर कवर करने में भी प्रॉब्लम है यार मैं पूरी एग्रीकल्चर कैसे कंप्लीट करूं जनरल एग्रीकल्चर देर इज सॉयल साइंस देर इज एवरीथिंग राइट सो आई एम गोइंग टू टेल यू हियर कि व्हाट यू कैन डू सो दैट एग्रीकल्चर में यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर सो दैट्स द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो विद दैट आई स्टार्ट बट बिफोर स्टार्टिंग आई हैव रिक्वेस्ट इफ यू आर न्यू टू अर यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू अर यूट्यूब चैनल

एंड ग्रुप ग्रुप बी ए में आपका एग्रीकल्चर जोलॉजी बॉटनी कवर होगा ग्रुप ग्रुप बी बी में एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री कवर होगा तो अगर आप के लिए भी अप्लाई कर रहे हो ग्रुप बी से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको एग्रीकल्चर कवर करनी ही है राइट तो अब कैसे अगर एग्रीकल्चर कवर करनी है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको अच्छे से कैसे कर सकते हो कि आप मैक्सिमाइज कर सको अपना स्कोर एग्रीकल्चर में तो so, अगर हम एग्रीकल्चर का सिलेबस देखें तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको पढ़ना है ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एलिमेंट्री एंटेमोलॉजी प्लांट प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द आई वुड से सब्जेक्ट दैट इज गिवन अंडर एग्रीकल्चर अब अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो दिस इज द रफ आइडिया राइट दिस इज द ब्रॉड पिक्चर फ्रंट ऑफ यू की आपने स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट कवर करना है एंटोमोला है then land protection and agriculture economics. अब पे सवाल यह होता है कि हमें कितनी डेप्थ में कवर करना है कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमको कैसे पता चलेगा कि हमें इन सब्जेक्ट में भी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स so इसके लिए हम करते हैं पी वाई क्यू से हम डी कोड करते हैं अपने सिलेबस को सबसे पहले हमने देख लिए कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं वी हैव दिस ब्रॉड यू नो ब्रॉड पिक्चर हेयर राइट तो अब स्टैटिस्टिक्स में क्या कैसे सवाल आएंगे एंटोमो में कैसे सवाल आएंगे प्लांट प्रोटेक्शन में क्या सवाल आएंगे एंड इकोनॉमिक्स में क्या सवाल आएंगे उसके लिए हम करते हैं एनालिसिस ओके वी गो फॉर एनालिसिस ऑफ पी वाई क्यू ओके आई हैव गॉन थ्रू ट्वेंटी ट्वेंटी वाला पेपर ऑफ एफ सी आई ए जी थ्री और वहां से मैंने पीवाई क्यूज देखे और मोस्टली दीवाई क्यूज और द द्वेश्चन आस्ट वर फ्रॉम स्टैटिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी प्लान प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक्स देर वर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर तो अगर आपको एग्रीकल्चर कंसर्न है अगर आपको एग्रीकल्चर एक पेन पॉइंट है कि यार एग्रीकल्चर मैंने कभी नहीं पढ़ी है तो आई वु सजेस्ट यू कैन स्कीप एवरी थिंग एंड फोकस ऑन दिस पार्ट विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर सिलेबस एंड आई है सारे क्वेश्चन यहीं से ही दिए हैं ऑलमोस्ट राइट अब क्वेश्चन देख लेते हैं स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन वट इज द करेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू ग्रॉस वैल्यू एडेड तो जीवीए जी डी पी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का ये आपने पढ़ना है ठीक है तो ये क्वेश्चन आया था ट्वेंटी टू में देन द क्वेश्चन इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बासमती राइस इन इंडिया सो आपने ये भी देखना है कि कौन से क्रॉप्स में विच स्टेट इज द लीडिंग वन ये एक दूसरा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैपिटेट एंटीना फाउंड एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है राइट टाइप ऑफ एंटीना पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपिटेट एंटीना कौन से इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है इंसेक्ट इज इंसेक्ट इज देरीट्रोफिक मेमरे नॉट फाउंड तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से इंसेक्ट ऑर्डर में पेरी ट्रॉफिक मेमरे नहीं प्रेजेंट होती है अगैन एंटोमो क्वेश्चन है देन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन फूड ग्रीन कंप्राइजेस ऑफ वट परसेंटेज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज मतलब प्लांट प्रोटेक्शन की बात हो रही है प्लांट प्रोटेक्शन में बेसिकली स्टूडेंट स्टोरेज वाला पार्ट आता है ठीक है स्टोरेज स्टोरेज और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तो यहां पे आपने ये चीज कवर करनी है ठीक है देन करंट रेशो इज इक्वल टू आप इकोनॉमिक्स का पार्ट है आपको करंट रेशो बताना है करंट रेशो क्या होता है राइट देन वट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल अब यहां क्वेश्चन फ्रॉम पैथोलॉजी पार्ट ओके तो स्टूडेंट्स देखो बेसिकली हेयर द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड वॉट एफ सी आई इज डीलिंग विद एफ सी आई इज डीलिंग स्टोरेज ऑफ स्टोरेज एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन राइट तो so एफसीआई किस चीज से कंसर्न है कि हम इस फूड ग्रेन को कैसे अच्छे से स्टोर करेंगे और स्टोरेज के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है देर कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ इंसेक्ट देर कैन बी प्रॉब्लम ऑफ एनी डिजीज राइट सो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ सिलेबस और आपने वो चीज अच्छे से कवर करनी है तो आपने ये नहीं सोचना है कि पैथोलॉजी सिलेबस में नहीं दिया है तो पैथोलॉजी का क्वेश्चन नहीं आएगा एटलीस्ट यू हैव टू कवर पैथोलॉजी डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट क्रॉप में कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं

जी डी पी ओके ऑल्सो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का ऑल्सो ठीक है डेटा जो भी आपका प्रोडक्शन डेटा है ठीक है डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन आपने करना है ओके देन लीडिंग स्टेट लीडिंग स्टेट कौन सा है राइट लीडिंग स्टेट इन डिफरेंट एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज ठीक है तो इसमें आपके पल्स सीरियल्स इवन स्पाइसेस ठीक है तो एवरीथिंग आपने जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसमें लीडिंग स्टेट कौन है वो आपने कवर करना है प्रोडक्शन डेटा जो लेटेस्ट प्रोडक्शन डेटा है वो आपने कवर करना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जी पी ये आपने कवर करना है एंटोमोलॉजी में आप क्या करोगे एंटोमोलॉजी में देखो स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जाम का पैटर्न I have seen most of the question. There were 14, if I can remember correctly, there were 14 to 15 question from this one chapter. So इससे ये पता चलता है कि elementary entomology बहुत बहुत important है। तो यहाँ पे आपने बहुत in depth आपने इसको cover करना है, ठीक है? In depth आपने इसको cover करना है। You have to you have to go through each and everything regarding entomology। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आपने बिल्कुल masters level का cover करना है। बट एटलीस्ट जो आपका बेसिक बी एस सी लेवल का एंटोमोलॉजी है वो कवर करना है ठीक है अगर आपने एग्रीकल्चर की है यू नो वट इज देर बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड सो वॉट यू विल डू आई विल सजेस्ट यू समज उन सोर्स में जितना भी एंटोमोलॉजी वाला पार्ट है दैट यू हैव टू कवर थरली ठीक है सो दैट दैट इज फॉर एंटेमोलॉजी देन कमिंग टू प्लांट प्रोटेक्शन पार्ट तो यहाँ पे यू हैव टू सी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स आपने देखनी है ठीक है तो जितनी भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है सीरियल्स में अदर क्रॉप्स में या फिर कौन कौन से स्टोरेज मेथड है हमारे वो आपने यहाँ पे कवर करना है एज वेल एज इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्टोरेज पेस्ट देखो स्टोरेज पेस्ट एंटोमो का भी पार्ट है बट हाँ आई वुड से स्टोरेज पेस्ट आपने देखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कौन कौन से स्टोरेज पेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है देन वी हैव एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी आप अगेन बेसिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे बेसिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कवर करोगे एज वेल एज फार्म मैनेजमेंट वाला पार्ट कवर करोगे ठीक है फार्म मैनेजमेंट और बेसिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कवर करोगे फ्रॉम द सोर्सेज दैट आई एल सजेस्ट टू यू क्लियर सो दिस इज अगेन अ डिटेल एनालिसिस कि कौन सा टॉपिक में आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और कितनी डेप्थ में कवर करनी है राइट right? एंटो के लिए आई एव ऑलरेडी टोल्ड यू बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से है एंड प्रोटेक्शन के लिए प्लांट प्रोटेक्शन में अगेन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कितना है या फिर कौन सी हम टेक्निक यूज करते हैं राइट right? ये सब आपने देखना है इकोनॉमिक्स से व्हाट इज करंट रेशो व्हाट इज़ द डिफरेंट यू नो थिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स लाइक फार्म मैनेजमेंट क्या है राइट तो ये आपने देखना है Uh, फिर स्टैटिस्टिक्स का हमने बता दिया और इसके साथ साथ आपने आपने एंटोमो के साथ साथ प्लांट पैथोलॉजी भी कवर करनी है प्लांट पैथोलॉजी प्लांट पैथो में आप क्या कवर करोगे प्लांट पैथो में आपने कवर करना है कौन कौन सी डिजीजेस हैं उनका कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या हैं एज वेल एज क्या कॉमन सिम्टम्स है सिम्टम्स से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं राइट right? तो आपने जनरल पैथोलॉजी कवर करनी है और उसमें आप जो मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं लाइक राइस वीट मेज Uh, कुछ सीरियल जो इंपॉर्टेंट सीरियल्स हैं पल्सेज हैं उनके क्या क्या डिजीजेज हैं और क्या uh, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्लियर yeah? तो so, ये आप कवर करोगे तो आई होप इससे आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपने कैसे सिलेबस को डी करना है राइट नाउ लेट मी टॉक अबाउट सोर्सेज सोर्सेज आर दीज टू ओके बट आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू कि नीवरा सुनना और फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो ऑलरेडी यू नो ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है और आई वुड से वन लाइनर बुक है तो so, आप इसको रेफर कर सकते हो बट अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हो एग्रीकल्चर आपके लिए नया सब्जेक्ट है देन यू विल रेफर टू अरुण कात्यान ओके बोथ यू नो आपने वॉल्यूम 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 खरीदना है क्योंकि 1 में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फार्म मैनेजमेंट वाला पार्ट कवर है और वॉल्यूम टू में आपका पैथो और एंटो वाला पार्ट कवर है ठीक है तो ये आपने लेनी है बुक और यहाँ से आपने कवर करना है अगर बुक नहीं खरीदनी है यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर पी डी अगर आपको टेलीग्राम में कहीं मिल जाती है तो आप पीडीएफ से भी इसको कवर कर सकते हो राइट सो दीज आर दोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर

if you haven't get uh, you know everything clear here so you can write your query in the comment section i'll surely answer to it as well as if you want aage kis cheez cheese videos on each you can suggest me that also with that i'll end the video thank you thank you so much